जी भाई बताइए कितना बिल बन गया? 120 हो गए सर। ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ एक बात तो बताओ, ये चॉकलेट देने से होता क्या है? सर मैं समझा नहीं। यार मेरा मतलब है कि अगर ये चॉकलेट किसी लड़की को दे तो क्या वो सेट हो जाएगी? क्या कह सकता हूँ सर? अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे जरा गौर से सुनना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं और ये सेटिंग करने का आसान तरीका है। आपकी चॉकलेट की बातों ने तो मुझे नर्वस कर दिया है। आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं भी कुछ ले सकूं? क्या हुआ, सकते में क्यों आ गए? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। सच बोल रही हैं? क्या वाकई नहीं पहचाना मुझे? तो फिर सुनिए, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कई सालों से। घर वाले शादी के लिए मुझ पर जोर डालते रहे मगर मैंने भी इस बात की कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं मिल जाती शादी तो दूर की बात, इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कभी। वैसे आप भी किसी शहजादी से कम नहीं लगती, करीम कहता है मुझे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपने काम से काम रखो समझे, और हट जाओ मेरे सामने से। क्या बात है, यही अंदाज तो मुझे पसंद है, बिल्कुल शहजादियों जैसा अंदाज। अच्छा तो वहाँ चलकर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, जब किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना किस्मत पर ही छोड़ दें। अच्छा तो वहाँ देखो, वो रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से वापस निकलो। ये क्या बात है, ये देखो तुम अपनी हरकत, मैं निकलूं? अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारा। ओके मैं समझ गई, तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो, तुम पहले यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगे, ठीक है? थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक कट है, वहाँ जाके एक यू टर्न ले लेना, समझ गए? क्यों, वहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें। बेहतर होगा कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ, बहुत देर से बकवास कर रहे हो, हटो रास्ता छोड़ो मेरा। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा।